तोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब काल का सामना भी हम लोग कर सकते हैं, काल से भी नहीं डरते। तो ये कहना ये चाहता है कवि कि जो भारत के सैनिक हैं, भारत के सैनिक इतने क्षमतावान हैं कि वो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति अगर उसके समझ आती है तो वो उस परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। इंसान ही नहीं वो, ठीक है ना, पिछली पंक्तियों में मैंने आपको बताया था कि स्वदेश में ही देश हारेगा, अपने कारण ही अगर हम पराजित होंगे तो पराजय का मुख हमें देखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हम क्या हो रहे हैं, टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। आज हमारे सामने जो मुख्य स्वतंत्र समस्या है वो किसकी है कि हम फिर परतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा स्मरण इतिहास है, हम लोग कौन से देश के वासी हैं जहाँ चंद्रगुप्त रहता है, जहाँ पर स्कंदगुप्त ने हूणों को बार बार पराजित किया, तो हम उस देश के वासी हैं। इसलिए कवि जो है वो स्वर्णिम इतिहास को हमारे सामने रखते हुए उस समय के नवयुवकों को, जिस समय रचना की, इस पुस्तक की रचना की गई, उस समय के नौजवानों को प्रेरित करना चाहता है कि हम उस देश के